प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कार्यक्रम तो ये पहला हमारा साल है। हमारा हेतु तो यही है कि ये जो श्राद्ध पितृपक्ष कहते हैं तो आज लोग कर नहीं पा रहे हैं। अपने गरीब हो तो अपने माँ बाप के पीछे, उनके पास पैसे है नहीं है, वो वजह से वो कर नहीं पाते। तो हमने ये प्रोग्राम ये आयोजन किया कि एक रुपये में 11 जन को खिला सकते हो, ताकि ये अपनी प्रथा बरसों पुरानी है वो चलती रहे, वो हमारा उद्देश्य है। ये श्राद्ध पितृपक्ष में हम लोग ने 15 दिन का ये कार्यक्रम था। 15 दिन में आए, हर रोज़ हमारे कम से कम 350 से 400 जन खाना खाते हैं, तो हमारा टोटल हो जाएगा 7-8 हज़ार आदमी का हो जाएगा ये। भोजन के अलावा और क्या क्या सामग्री? भोजन के सिवा हमारा ये कपड़े दान है, कपड़े भी हम देते हैं। और दूसरा अभी नया प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो यहाँ पे पास में स्कूल है, वो स्कूल में वो बबच्चे लोग को हम लोग महीने का बरस का 10,000 रुपया लोन देंगे। वो बच्चे लोग पढ़ के जब ईयरली हमको हर रोज़ 20 रुपया देवे, 5 रुपया देवे, जो भी देवे हमें वो वापस दे सकते, ताकि वो पैसे वापस लेके हम दूसरे को देंगे। अगर तुम्हारा लोन पूरा भी नहीं होता है तो भी नेक्स्ट ईयर हम उनको 10,000 देंगे पढ़ाई के लिए। उनके बारे में हम वो कहना चाहते हैं कि इस तरह जो समाज का हमको एक ऋण अदा करने का मौका मिला है, हम लोग के एक शास्त्र और धर्म के अनुसार हमारे पे तीन ऋण रहता है, एक मातृ पितृ ऋण रहता है, एक धरती माता का रहता है और एक गुरुदेव का रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं मातृ पितृ ऋण को कुछ न कुछ रूप से उसको कम करने की, और आगे की पीढ़ी भी उसको नस्ल समझ सके, सीख सके। इस कार्यक्रम के मैं इतना ही कहूँगा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद। यहाँ पे हम लोग जो जयाबेन पॉलीक्लिनिक चला रहे हैं तो पूरा रोड एक परिवार की तरह रहते करते हैं, और हमने एक साबित करके दिया कि ईरानीवाड़ी रोड नंबर 3 सही में एक परिवार है। आज हर घर से, हर सोसाइटी के, हर फ्लैट से सर्व का सार्वजनिक पितृ पक्ष के रूप में, एक अमास के श्राद्ध के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि हर घर से हर एक जन आके अपना हिस्सा दे रहे हैं और इसमें प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नहीं, वो काम कर रहा है, वो सब अच्छा है। सब स्कूल का बच्चा लोग आता है, बड़े लोग आता है, सबको चीज़ को नहीं मिलता वो आता है, बहुत अच्छा है। सबका आशीर्वाद अपन को मिले और सबका पेट भरे, बस वही हम मांगते हैं। सब भगवान सबको ऐसे दे। सबसे पहले तो जय राधे, जय श्री कृष्ण, बापा सीताराम। आज ये कार्य चाली रू है ये पुष्क प्रशंसनीय है। मेन मोटो एनो अवेरनेस माटे छे, कि जे अवेरनेस अमे पब्लिक में लावा मांगीए छे ए पुष्कळ सारी रीते कार्य पार पड़ी रह्यु छे। अने अहींया जे रीते अनाज अने बधुं अपाई रह्यु छे, जमवानुं अपाई रह्यु छे, ए जोईने खरेखर आनंद पण थाय छे। अने ए लोको जे रीते जमे छे, आनंदथी जमे छे, अने अमने लोकोने पण ए जोईने बहु खुशी थाय छे। आ ट्रस्टने चालू थये लगभग 9 महीना थया, एटली वारमां अहींया 8-9 मेडिकल कैम्प थई गया छे अने 3-4 ब्लड कैम्प थया छे। अने हजी आग अमे एज्युकेशन तरफ वळी रह्या छे। मेन मोटो इज अवेरनेस। हूँ यहाँ 2 दिवस की सेवा आपवा आवी छूं, पण मने एटलू बधुं संतोष अने सारूं लागे छे कि मने एम थाय कि हूँ हवे आ लोकोना ग्रुपमां जॉइन थई जाऊं अने जेटली पण मारथी सेवा अपाय ने एटलू पूरी आपवानी कोशिश करीश दरेक वस्तुमां। હું જોબ પણ કરું છું, પણ એના સાથે હું ટાઈમ નીકાળીને અહીંયા આવું છું બધું સેવા આપવા માટે। એનાથી આનંદ મને જેટલું નથી થતું એટલું વધારે એવું લાગે છે કે હું મારું જે કરું છું એ તો મારા પ્રમાણે છે, પણ હું બીજા માટે જે કરું છું એમાં એટલીસ્ટ કાંઈ થોડુંક તો સરાઉન્ડિંગ માટે કંઈ અવેરનેસ થવું જોઈએ, એટલા માટે આ બધું ચાલી રહ્યું છે। અને અમે હવે જોઈએ છે કે આ બધું ફોરએવર ચાલુ જ રાખવાનું છે। यहाँ पे पहली बार आई हूँ और सही में अंदर से बहुत खुशी हुई कि
कि जतिन भाई, दिलीप भाई और दूसरे कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब मैं ये पैम्पलेट मुझे व्हाट्सएप पे आता था तब मैं सोच रही थी ऑलवेज कि क्या है क्या नहीं पता नहीं, पर एक पैम्पलेट मुझे यहाँ तक खींच के लाया। मैंने उनको बात किया कि भाई कैसा है ये श्राद्ध है, इसमें कई लोग ब्राह्मण को भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में ये निःशुल्क सेवा बोलते हैं, ये कोई इतना इसका मूल्य इतना ज़्यादा नहीं है, पर इसमें कितने लोग आज खाना खा रहे हैं और वो हमारे ही लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही लोग हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि सबको इसमें साथ सहकार देना चाहिए, जतिन भाई को, दिलीप भाई को, सबको इसमें बहुत ही अपना साथ सहकार देना चाहिए और आगे मैं अपनी ओर से ज़रूर दूँगी। तो बहुत ही अच्छा कॉज है, हमारे रिलेशन में बनते और सालों से ये करते आ रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं, ब्लड कैंप हो गया, फूड फॉर ऑल हो गया, कपड़े हो गए, बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है सोसाइटी के लिए और हम उनके ज़रिए हमको भी एक रास्ता मिलता है कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो ऑल द बेस्ट पूरी टीम को और थैंक यू मेरे तरफ से, दैट्स इट। जी मैं, हमारे गुरु है महर्षि का प्रीति मैया, हम उनके साथ एसोसिएटेड है, हमारा ट्रस्ट का नाम है द प्रेजेंस फाउंडेशन। तो हमारा जो ट्रस्ट है वो भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, हम प्रीति भोजनम का एक एक्ट चलाते हैं, एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम भी सबको खाना प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा ट्रस्ट है, जो हमारे गुरु है, वो बेसिकली एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उनको सिखाते हैं। तो जैसे कि काफ़ी जगह पे आपने सुना होगा कि लोग मेडिटेशन करते हैं, यू नो, ऐसे आदमी अपने आप को बेहतर बना सकता है, पर यहाँ पे क्या हुआ, मेडिटेशन तो एक ज़रिया है ही, बट ऐसे काफ़ी ज़रिया है प्रैक्टिकल जो हम हमारी ज़िंदगी में रोज़ रोज़ करते हैं, उसमें से एक है भिक्षा, जो एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट है, जहाँ पर हम रोड पर जाते हैं, भीख मांगते हैं जैसे साधु संत पहले करते थे इस तरह से, बट इससे हमारा अहंकार कम होता है और हमारी जो बोलते हैं एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। तो हमारी वेबसाइट है preeti.org, अगर उस पर आप लॉग इन करेंगे तो काफ़ी डिटेल्स आपको मिलेगी और मैं चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स है या जो भी देख रहे हैं वो वेबसाइट पे जाए, हमारे प्रोग्राम्स को देखे और उन्हें अटेंड करें ताकि उन्हें कुछ नया देखने मिले, समझने मिले, सीखने मिले और अपनी लाइफ चेंज करने का एक मौका मिले। That's it. बहुत अच्छा है, हम 15 दिन से सेवा दे रहे हैं और दिलीप भाई ने बहुत अच्छा बनाया है और हर साल ऐसे ही होना चाहिए, ये हम अपेक्षा रखते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आजकल श्राद्ध के लिए, मतलब जो लोग श्राद्ध करते हैं वो लोग अभी ये फील्ड में ज़्यादा रहते नहीं हैं, इसके लिए हम लोग सबको अवेयरनेस के लिए कि 15 दिन मतलब ये गरीबों को, सबको भूखा पेट को खाना खिलाते हैं भर पेट, तो वो उससे हमको बहुत शांति मिलती है और 15 दिन से हम लोग ये काम में काम कर रहे हैं और हमको बहुत ही आनंद मिलता है इसमें आके 15 दिन से। और फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।